सेटेलाइट राइट्स बेचकर भारत तुमने कमाए इतने करोड़, बजट से भी आगे निकली। हाई फ्रेंड, मैं हूँ रॉब, देख रहे ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, पिछली फिल्म रेस 3 फ्लॉप हो जाने के बाद सलमान खान फिल्म भारत से धमाकेदार वापसी करने वाले हैं और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए सलमान खान पूरी तरह से मेहनत कर रहे। वो दबंग 3 की शूटिंग छोड़कर फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं। वैसे सलमान खान इस फिल्म के प्रमोशन में वो अकेले ही नहीं बल्कि फिल्म की नायिका यानी कटरीना कैफ भी उनके साथ जुटी हुई है। सलमान खान की भारत ना सिर्फ एक मल्टी स्टार कास्ट बल्कि बिग बजट फिल्म भी है। दोस्तों, भारत फिल्म का टोटल बजट 165 करोड़ है, जिसमें 140 करोड़ फिल्म के कलाकार शूटिंग बस सेट पर खर्चा किया गया है, जबकि बाकी 25 करोड़ फिल्म के प्रचार और प्रमोशन पे खर्चा हुआ। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपना बजट निकाल, यहां तक कि इस फिल्म ने अपने बजट से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, भारत फिल्म के सेटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स दोनों बेचे जा चुके हैं। इस फिल्म ने केवल सेटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स से ही 170 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वैसे इस फिल्म के सेटेलाइट्स को 110 करोड़ में जी स्टूडियोज और डिजिटल राइट्स को 60 करोड़ में प्राइम वीडियोज को बेच दिया। ये दोनों बिकने के बाद फिल्म को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म भारत ने सेटेलाइट कलेक्शन से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि आमिर खान की दंगल फिल्म ने सेटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिके थे। दोस्तों, यानी कि सलमान खान की फिल्म भारत आमिर खान की फिल्म दंगल से भी आगे निकल गई। रिपोर्ट के माने तो भारत फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 50 करोड़ की ओपनिंग मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म इंडिया के 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, सैटेलाइट राइट्स के मामले में दंगल फिल्म से तो आगे भारत निकल ही गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दंगल कलेक्शन के मामले में भारत आगे निकल पाती है या फिर नहीं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।